एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम राजकुमार था। राज बहुत ही प्रशांत और साहसी निश्चित था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर उसका चिढ़ना आम था। एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा तुम्हारा यह गुस्सा तुम्हारे लिए हानिकारक है, इससे तुम्हें अपने आसपास के लोगों को दुःख पहुंचता है। गुस्सा करना सिर्फ तुम्हारे अच्छे भविष्य को अवरुद्ध करता है। राज ने पिताजी के बातों को समझा और वह निश्चित हुआ कि उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। उसने तय किया कि वह हर बार जब भी गुस्सा होता, उस समय कुछ समय के लिए शांति की प्राप्ति के लिए कोई आध्यात्मिक तकनीक आजमाएगा। 6 दिनों में राज को गुस्से को कंट्रोल करने में सफलता मिली। उसकी आत्मनियंत्रण और ध्यान की प्रार्थना में सबल हो गई। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा और उसने अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक सहयोग और समझदारी दिखाने लगा। धीरे राज का गुस्सा पूरी तरह से कम हो गया। उसने यह भी अनुभव किया कि जब वह गुस्सा नहीं करता तो उसका मन शांत और संतुलित रहता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से को कंट्रोल करना महत्वपूर्ण है। गुस्सा हमें अपने आप से और अपने पास के लोगों से दूर करता है, इसलिए हमें हमेशा शांति और सद्भाव के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर आपने इसे आनंद लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।